हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में 22,20,000 टन गेहूं के रिकॉर्ड खरीद। PMGKAY सहित अन्य योजनाओं के लिए 14,00,000 एमटी गेहूं राज्य को जारी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में 22,20,000 टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। निगम द्वारा राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू की गई। अब तक 22,20,000 टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि कीर्तिमान है। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि पिछले साल रोजाना 13,438 मैट्रिक टन के आधार पर कुल 14,11,000 टन गेहूं खरीदा गया, जबकि इस साल 80 दिनों तक रोजाना 29,114 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। इस साल खरीदा गया गेहूं पिछले साल के मुकाबले 8,10,000 मैट्रिक टन ज्यादा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान क्षेत्र में अप्रैल से जून माह के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 14,623 मैट्रिक टन यानी लगभग 2,93,00,000 कट्टे गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को समय से पूर्व जारी किए गए। कुल 14,623 मैट्रिक टन गेहूं में से 6,69,000 मैट्रिक टन गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए, जबकि 44,600 मैट्रिक टन गेहूं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी किया गया। इसके अलावा 6,96,000 मैट्रिक टन गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए तथा 52,710 मैट्रिक टन गेहूं गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को वितरित करने के लिए जारी किया गया। संजीव भास्कर ने बताया कि वर्तमान में निगम के पास राजस्थान क्षेत्र में 21,50,000 मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगले 9 महीने तक राज्य सरकार को जारी करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य निगम के पास राजस्थान में आज की डेट में करीबन 21,50,000 मैट्रिक टन गेहूं भंडारण में है, जो कि आने वाले समय में NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आवंटन को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।